मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंच में भाजपा पार्षद और अध्यक्ष भिड़ गए। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान पार्षद के द्वारा विकास कामन के जहां पोल खोली गए तो दूसर कई अध्यक्ष भड़क उठी। दविंद्र क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल वहां पहुंचा अपना पंचे सभाजन इनका प्रोग्राम कही थे शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दें कि मध्य प्रदेश के शहडोल में नगर परिषद बकहो के अध्यक्ष पर विकास कामन में उदासीनता बरते के आरोप लगाए कि गणतंत्र दिवस पर भरे मंच वार्ड क्रमांक 4 के भाजपा पार्षद रेखा महेंद्र सिंह के द्वारा जम के हुंकार भरी गए। उनके द्वारा कहा गया कि परिषद के गठन भय लगभग 1.5 साल से अधिक के समय गुजर चुका है लेकिन अब तक कोनो मेयर के विकास कामन के शुरुआत तक नहीं हो सकी। अध्यक्ष मौसमी केवट के ऊपर विकास कामन में उदासीनता बरते के खुल के आरोप लगावागा। एक ही साथ ही साथ यह कहा गया कि उन वार्ड के जनता के द्वारा उनका चुना है और उनका जवाबदेही जो उन्हें जनता के प्रति बना थी कि वार्डवासी का समस्या के समाधान करे के साथ ही साथ अपने वार्ड में विकास काम करवावा जाए लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के उदासीनता के कारण पूरा काम ठप पड़ा है। जनता के समस्या से इनका कोनो सरोकार नहीं है। पार्षद के गुस्सा मंच में फूटा देख के मौजूद अन्य पार्षद और नागरिकन के द्वारा उनके बात के समर्थनों की इनका और जायज ठहरावागा। दूसर कई जब कार्यक्रम के दौरान पार्षद रेखा सिंह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ऊपर आरोप लगावत रहीं तब मंच में अध्यक्ष मौसमी केवट खलाए मौजूद रहीं। उनके द्वारा तत्काल रेखा के ऊपर पलटवार कीनगा और कहागा कि झूठा आरोप लगावा जाला है। ये दौरान दोनों के बीच बता दें कि काफ़ी देर तक नोकझोंक होत रही। वीडियो बता दें कि नोकझोंक के अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक नव गठित नगर परिषद के चुनाव का लगभग 1.5 साल गुजर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहां वार्ड क्रमांक 4 से निर्वाचित पार्षद रेखा महेंद्र सिंह का अध्यक्ष पद के खातिर अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए गए रहा लेकिन वार्ड क्रमांक 4 से भाजपा प्रत्याशी पार्षद चुनी गई। मौसमी केवट के द्वारा पार्टी से बगावत करके भाजपा अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रेखा के खिलाफ अपन दावेदारी ठोक दी गई जिसके बाद विपक्ष के साथ मिलकर अध्यक्ष पद पर बता दी कि दुई मत से विजयी हो गई। ये बात अध्यक्ष मौसमी और उपाध्यक्ष वैभव विक्रम के द्वारा विकास कामन में कोनो रुचि नहीं दिखाई जा लगी है। सजग रही सतर्क रही रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे इजाजत प्रणाम। तो किस तरह बने हुए हैं उसमें डामरीकरण करवा दिया गया है। इसमें भी डामरीकरण किया गया है कि जहां रोड पहले से ही बना हुआ हो। मैं जनता के लिए हमेशा खड़ी हूं और आज भी जनता के लिए मैं खड़ी हूं। आवाज भी जनता के लिए मैं लड़ूंगी। बाद में यहाँ भी रोड अभी बनने वाला था वो रोड भी अभी तक नहीं बना हुआ है। वहाँ लोग आते हैं परिषद में तो बोला जाता है कि पार्षद जाए। जब यहाँ से कुछ होगा ही नहीं तो पार्षद क्या कर सकते हैं। कम से कम सही बात बोलो तो उन्हें झूठा भी दिलासा ना दिया जाए। सही हमारे बारह नंबर घर घर नल लगेंगे। आज 2 साल हो गया कुछ भी विकास यहाँ का हो रहा है कुछ विकास नहीं हो रहा है। 2 साल हो गया यहाँ का विकास बोल रहे कि होगा पानी लगेगा। हम 2 साल से सुन रहे हैं हम बाढ़ वाले को बोले का वो काम नहीं हो रहा है। हम बाढ़ में बोले थे कि हम जीतेंगे तो हम बाढ़ का विकास करवाएंगे हर घर में नल जल का योजना करवाएंगे लेकिन हम कुछ शर्मिंदा है। हम बाढ़ वाले से माफी मांगते हैं हाथ जोड़ के विनती करते हैं। यहाँ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कुछ करना ही चाहते नहीं है। सब पूरा पार्षद को करा रहा है क्या करें हम मजबूर हैं। जो बात सही है वही बोलते हैं। किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे जनता के लिए हम खड़े हैं तो हमेशा खड़े रहेंगे और आज भी खड़े हैं। जय हिंद जय भारत। हेलो ये सब आप झूठ बोल रहे हैं भाभी हिसाब से बात करिए। गणतंत्र दिवस है कि शिकायत दिवस है। परिषद के लोग बोल रहे हैं हम ना कभी झूठ बोले हैं ना बोलना चाहते हैं। वो सब जनता को दिख ही रहा है कि कौन सा जनता के साथ हमेशा खड़े हुए हैं। जनता के साथ हम हमेशा हैं और आज भी हैं और कल भी खड़े रहेंगे। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए